सीन हो गया तो रस्ते में हमने आपको बताया था, तो मेहर भाई अब इसकी चीप रोटी कर लेते हैं। हमारी तलाश जो है व्यूअर्स पूरी हो गई है, ये मुर्गा हमें मिल गया। हाँ जी, और नेक्स्ट ये थोड़ी देर बाद आपको हांडी के अंदर नजर आएगा। तो व्यूअर्स ये देसी नहीं है, ये असील है, ठीक है। असील का जो कुछ ना कुछ बनाएंगे, इसका जरा चीप रोटी करवा के आते हैं, फिर मेहर भाई जरा जी चले चले मार भाई। तो व्यूअर्स ये मैंने यखनी के लिए पानी रखा है, ये मट्टी की हांडी जरा थोड़ा वक्त लेती है गर्म होने में, तो ये पानी को मैंने रख दिया इसमें। तकरीबन ये 2.5 लीटर पानी डाला हमने, और अभी थोड़ा सा ये पानी गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे, उसकी यखनी निकालेंगे, फिर उसी यखनी में हम इंशाल्लाह ताला जो हमारा पुलाव है यखनी पुलाव वो बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स ये जो हमारा सील मुर्गा का गोश्त था, इसका यखनी के लिए हम डाल रहे हैं इसमें पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई सुभान अल्लाह, ब्रॉयलर ब्रॉयलर होता है, देसी देसी होता है और असील असील होता है। चले असील ना मिले एटलीस्ट देसी बंदा खा ले। चर्बी हमने नहीं उतारी, मैं भी खुद ही। ये रोगन, ये रोगन है, लोग उतार देते हैं लेकिन इसी का की जब निकल के वो उसकी चीज बनेगी तो टेस्ट ही अलग होगा। इसका लेग पीस तो दिखाना था आपने मेहर भाई, ये लेग पीस आप यकीन करें ये तकरीबन 10-11 इंच लंबा था, ये मैंने यहाँ तक था, ये मैंने 2 हिस्से किए हैं इसको, फिर भी ये देखने माशाल्लाह यानी हैवी मुर्ग था। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह देखिए भर गया माशाल्लाह। ये सारा एक ही मुर्ग का गोश्त है? जी जी माशाल्लाह। अब ये यखनी के लिए रख देंगे इसे ढककर, ये तकरीबन यखनी इसकी 1-1.5 घंटा लग जाएगा इसको, इसको ढक देते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसकी यखनी निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप नमक ऐड करेंगे, एक खाने का चम्मच जो है टेबल स्पून नमक फिलहाल। ये थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला है, ये थोड़ा सा ये भी ऐड कर देंगे, ये दालचीनी और ये काली मिर्च और जीरा। और इसे वैसे ही ऊपर से कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेवर अब हम इसमें लहसुन है वो शामिल करेंगे, ये देखिए घी आना शुरू हो गया है, ये जो हमने इसकी फैट्स थी ना वो ऊपर से नहीं ना उतारी थी, इंशाल्लाह ताला ये हमें अगर ऊपर से घी शामिल करना पड़ा तो बहुत थोड़ा सा शामिल करना पड़ेगा। तो अब इसकी क्योंकि ये देसी या असील हो तो इसके गोश्त की स्मेल को ख़त्म करना पड़ता है, इसकी यखनी निकालते हुए इसमें लहसुन डालना होता है। तो ये इतना सा लहसुन जो है, ये 2 गंडियाँ थी तकरीबन 1.5-2, ये हमें छीनी और ये साबत ही डाल देंगे इसमें, और इसे एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। और इसे ऊपर से एक दफ़ा फिर कवर कर देंगे, और ये तकरीबन 1.25 घंटा भी और लगेगा इसकी यखनी निकलते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स ये जो यखनी पुलाव के लिए हमने यखनी रखी थी, ये देखें आप,
अभी तक दूर दूर तक उमेर भाई कोई नामन चान नहीं है। ये देखें घी, ठीक है माशाल्लाह। तो इसमें ये दालचीनी और जो बड़ी इलायची डाल दी, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपसे कि इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमें ये चीज़ें डालनी हैं, ठीक है, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये वो बहुत ज़रूरी होता है, टेस्ट का मज़ा फिर ही दुबला होता है मेरे भाई। तो ये चीज़ें मैंने डाल दी है और ये घी आना चाहिए, देख के मुझे तो अभी से भूख लगना शुरू हो गई। तो ऐसे ही उमेर भाई, अब इंशाल्लाह दुआ करें कि जो हमने वो रात को देसी हंडी बनाई थी वैसे ही बनेगी यार, वो चिकन वाली वो बड़ी टेस्टी बनी थी। तो ये हमारा यखनी पुलाव है रिवर, सो इंशाल्लाह ताला उम्मीद बड़ी करते हैं कि ये बहुत टेस्टी होगा इंशाल्लाह। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। और ये फिर असील के गोश्त में भरी, और असील का गोश्त वैसे ही बहुत टेस्टी होता है, खाने में भी लजीज है, और ये बकरे और बड़े गोश्त से ज़्यादा ताकत भी रखवाता है ये मेरे भाई। लाजमी ट्राई करिएगा, हम तो अपने घर में असील जो है अक्सर बनाते रहते हैं, तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह उसके बाद आप ब्रॉयलर चिकन जो है वो खाना भूल जाएंगे और छोड़ भी देंगे, आपको इसका टेस्ट इतना पसंद आएगा उसके बाद आप कहेंगे कि हमने सिर्फ असील ही खाना है। अच्छा, ये बड़ा सबर आजमा काम है मेरे भाई, एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर कुकर वगैरह तो गाँव में इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है, तो इसमें हम मट्टी के हांडी में ही इसकी वो निकाल रहे हैं यखनी वगैरह, घर में ये ज़्यादा। हाँ जी, अगर हम इसे कुकर करते तो शायद ये आधे पौने घंटे में यखनी निकाल देते, वो गला देता, लेकिन फिर जो टेस्ट इस तरह पक पक के इसका निकलना है वो वैसे नहीं निकल सकता बिल्कुल ऐसे। तो फिर गांव में आया, फिर चीज़ें गांव के हिसाब से ही तो बननी चाहिए, फिर मट्टी की हांडी में ही हम इंशाल्लाह ताला बना रहे हैं जी। अब इसे वापस कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेवर इसमें ना हम एक लीमू शामिल करेंगे, इससे क्या होगा कि ये हमारे जो चावल हैं ये जुड़ेंगे नहीं, लहदा लहदा चावल लेंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इसको बॉयल आने तक जो हम पकने देंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो फिर दम देके इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि सही तरह आपको समझ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, ये तकरीबन 2-4 मिनट तक बॉयल आना शुरू हो जाएगा, 15-20 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पानी को ऐड किए हुए। तो जैसे ही ये प्रॉपर पानी का जो बॉयल आएगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें जो हमारे जो चावल थे राइस वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और एक मरतबा फिर इसको जो पानी को बॉयल होने तक, जोश आने तक जो इसे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स एक दफ़ा चम्मच हिला लेते हैं, और ये तकरीबन दम तक पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह ये देखें व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त लड़ी। अब हम इसकी दम की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स ये हम अब इसे
दम देने लगे हैं। अब बोलना इसे रख के ऊपर दिया अच्छे तरीके से कवर कर दें, और ये जो नीचे आग है ये थोड़ी सी हल्की कर देंगे, बिल्कुल हल्की आग कर देंगे, बिल्कुल हल्की आग पे जो आपने दम देना और 10 मिनट दम देना है अपने इंशाल्लाह ताला 10 मिनट के बाद जैसे दम ओपन करेंगे तो आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, तो दम दिए हुए हमें तकरीबन 10 मिनट का टाइम गुजर चुका है, तो अब हम इनका दम जो है वो खोलेंगे चावलों का और देखते हैं कि हमारे चावल कैसे बने। माशाल्लाह देखिएगा चावल माशाल्लाह कितने प्यारे लगे माशाल्लाह, और एक एक चावल अलग अलग नजर आ रहा है। हमारे चावल रेडी हो गए हैं, तो आप हमें किस्म डाल के दिखाते हैं कि कैसे बने हैं, खाने में भी इंशाल्लाह मज़ेदार होंगे। रहमान रहीम, तो व्यूवर्स अब हम इसको एक ट्रे के अंदर डाल लेते हैं चावल्स को। बिस्मिल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। तो ये हमने बिल्कुल देसी तरीके से देसी जगह पे और मिट्टी की हांडी में लकड़ियों की आग के ऊपर मिट्टी के चूल्हे के ऊपर बनाया है, तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होगा। और माशाल्लाह हमारा ये गोश्त भी बहुत अच्छा गला हुआ है, तो खाने में भी बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तो व्यूवर्स ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा लजीज बनता है। हमने ये आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है बिल्कुल देहातों के तरीके से बनाई गई है और सिंपल तरीके से बनाई गई है। तो वीडियो को एट तक लाजमी देखें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपसे फिर दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो अपने दोस्त उमैर अहमद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।